हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले च हुण लगातार नशे की खेप ते नशा बेचण वाले पुलिस की गिरफ्त आ रहे हैं। इसी कड़ी के तहत बीती रात सदर थाना की टीम ने कुल्लू के दो नौजवानों को 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामद की है। सदर थाना बिलासपुर के नज़दीक पुलिस ने लगाए हुए नाके दौरान यह सफलता हासिल की है। पुलिस ने दोवें नौजवानों को मौके पर ही गिरफ्तार करके उन्हां दी गड्डी भी जब्त कर ली और नाल ही मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी गई है। डीएसपी हेडक्वार्टर राजकुमार ने दस्सिया कि सदर थाना इंचार्ज भिंदर सिंह की अगवाई च देर रात नाका लगाया हुआ है। इस दौरान कुल्लू की तरफों आ रही एक जीप नूं जदों चैकिंग लई रोकिया गया, इस दौरान गड्डी च बैठे दो नौजवान पुलिस नूं देख के घबरा गए अते उत्थों भज्जण की कोशिश करन लगे, जिस ते पुलिस ने शक के आधार ते मौके ते उन्हां नौजवानां नूं पकड़ लिया अते जदों जीप की चैकिंग की गई तो कंडक्टर सीट के हेठा एक बैग चो 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तो मिली जानकारी के अनुसार गड्डी नंबर HB 6674 53 च नौजवान बैठे हुए सन, जिन्हों की पहचान जीप चालक श्याम लाल पुत्र जयचंद पिंड बलूनी तहसील सदर कुल्लू उम्र 24 साल और दूसरे नौजवान की पहचान सुरेंद्रपाल पुत्र जालपुर रामवासी असोली तहसील थाना सदर कुल्लू उम्र 21 साल के रूप च हुई है। दूजे पासे डीएसपी राजकुमार ने दस्सिया कि पुलिस ने NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज करके इन्हां नौजवानों को गिरफ्तार करके मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरा पंजाब न्यूज़ लिए बिलासपुर तो सुभाष चंदेल की विशेष रिपोर्ट। आज सुबह के टाइम तकरीबन 1:30 बजे हमारी सदर पुलिस की टीम जो है वो चेकिंग पे थी, नाकाबंदी पे थी। जो नेशनल हाईवे है उसमें नाकाबंदी थी थाने के साथ ही। तो नाकाबंदी के दौरान जो है एक गाड़ी को रोका गया जिसमें मतलब पलम लोड था, पिकअप थी ये। तो जब रोका गया तो उसके जो उसको जो ड्राइव कर रहा था उसके साथ एक बंदा और बैठा था। तो दोनों को जब कागज़ पत्र मांगे तो वो घबरा गया, घबराया तो उसकी गाड़ी की हल्की सर्च जो अंदर ली तो इसके कंडक्टर साइड की जो सीट है पीछे वाली सीट से जो है वो एक पिट्ठू बैग बरामद हुआ जिसमें से जो है वो 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामद हुई। तो इसके संदर्भ में जो है सदर थाना बिलासपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोनों जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर दिया गया है और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो जारी है।